पंचकुला के एक युवक को किडनैप कर गन पॉइंट पर 31 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को छुड़ाया और एक व्यक्ति को राउंड अप किया गया है। सेक्टर 7 पंचकुला के रहने वाले पीड़ित अमित ने बताया, एमडीसी स्थित फ्लैट में रहने वाला अनिल महाराष्ट्र पुलिस से निलंबित है। उसने अमित को वीरवार सुबह अपने फ्लैट पर बुलाया था। इसके बाद दोनों मोहली गए और वहां पर लंच किया और वापस लौटकर फ्लैट पर आ गए, जिसके बाद अमित फोन पर बात कर रहा था। उसी दौरान फ्लैट पर 3 लोग आ गए और उसको पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद अमित को गन दिखाई और उसे कहा कि अपने घर वालों को फोन कर 31 लाख रुपए मंगवाए। इस पर अमित ने अपने बॉस को फोन किया और पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात कही, जिसके बाद अमित के बॉस ने सेक्टर 5 थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सेक्टर 5 थाना पुलिस फोन लोकेशन के जरिए वहां पहुंचे, जहां अमित को रखा गया था। पुलिस के आने की सूचना मिलते ही आरोपियों ने अमित को छोड़ दिया, वहीं 3 आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस आरोपी अनिल को पकड़कर सेक्टर 5 थाना में लाई है। उधर पीड़ित अमित का कहना है कि आरोपियों के पास गन थी और उसको बेल्ट व डंडों से बुरी तरह पीटा गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस घटना की जांच में जुटी है। क्या हुआ था, सारा वाक्य बताइए। सर, मुझे ना एक्चुअली इन्होंने बुलाया था फोन करके कोई बिजनेस डील के लिए, तो मैं ये जो दो मेरे फ्रेंड्स थे, तो मैं इनका नाम है अनिल और मनदीप, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। क्या हुआ था? इन्होंने मुझे एक्चुअली बुलाया बिजनेस डील के लिए, तो मैं इनके घर पे गया था। जैसे मैं घर पे गया तो 5-10 मिनट बाद 4 लोग ने आके मेरे पे अटैक करके मुझे कम से कम 2 घंटा टॉर्चर किया, मारा पीटा और 31 लाख रुपए की डिमांड करी थी। सर, क्या वेपन भी था इनके? हाँ जी, गन थी और नाइफ थी और 2 स्टिक्स थी। सर, चार लोग थे सर। आप क्या करते थे? हाँ जी, आपका क्या नाम है? मैं एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन में जॉब करता हूँ एसोसिएट की। तो इससे इतनी बड़ी अमाउंट आपसे क्यों मांग रहे थे? सर, इन्होंने लगा रखा था स्टॉक्स में, सर इनको लॉस हो गया था तो ये रिकवर मेरे से कर रहे थे। सर, सर जैसे ही इन्होंने मेरे को बोला, पहले 1-2 घंटे मेरे को बहुत मारा पीटा, फिर इन्होंने मुझे बोला आप अपने फादर को फ़ोन करिए और 31 लाख रुपए मांगिए। तो मैंने फादर को तो नहीं कॉल किया, मैंने मेरे बॉस जी को कॉल किया। ही अग्रीड टू पे 5 लाख इमीडिएटली। तो वो 5 लाख अग्री करने के बाद वो थोड़े ठंडे हो गए और फिर उन्होंने वेट किया, तो फिर पुलिस आ गई वहाँ पर लोकेशन ट्रेस करके, एंड देन दे रिकवर्ड मी। सर, कितने? 3-4 लोग थे। 3 सर, वो पॉप्स को देख के वो लोग भाग गए। सर, एक मेरे साथ इधर ले आए। वो ये कहाँ रहता है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनिल अजालकर और ये मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में मानव भट्ट बिल्डिंग में रहता है। ये काम क्या करते? ये सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है। कहाँ से? महाराष्ट्र, नासिक। तो जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया तो क्या वो आपके थ्रू लगा था या? उन्होंने एक्चुअली मेरे थ्रू लगाया था 2.5 लाख रुपया, लेकिन मैं उनको 7.5 लाख रुपये वापस दे चुका हूँ। बट इन्होंने किसी और का जो लगवाया था वो उनका लॉस हो गया, तो उनको वो प्रेशर दे रहे थे, तो उन्होंने वो प्रेशर मेरे से निकाला। सर, वो पैसा कितना था? उसका कुछ काउंट नहीं है सर, सब कैश था। 3-4 लाख रुपये थे। सर, क्या मामला है? सर, सेक्टर 7 का रहने वाला है अमित चिंदवानी जी। बस तो मारपीट और किडनैपिंग का कोई ऐसा मामला है, अभी एप्लीकेशन लिखने लगे, पर्चा दर्ज करने लग रहे हैं इसमें जी। जैसे भी मतलब धाराओं के साथ होगा तो कार्रवाई कर देंगे। सर, तो कोई किडनैपर अभी तक पकड़ा भी गया है जिस मैटर में? ना, अभी तक तो कोई नहीं पकड़ा गया इसमें। किडनैप तो इसको मेडिकल या कुछ करवाया गया? कोई मारपीट चोट के निशान मिल पाए? अभी एप्लीकेशन देने लग रहे हैं, उसके बाद इसका मेडिकल जी, जो भी चोट के निशान वगैरह होगा मेडिकल करा दिया जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पंचकुला से मैनपॉल शर्मा की रिपोर्ट।